वेरी हेल्पफुल वीडियो है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं सब्जेक्टिव का, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के रूप में, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सब्जेक्टिव का इसका लिंक जो है दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर आप देख सकते हैं। आवर ऑन सिविलाइजेशन इज रिटन बाय, यानी सिविलाइजेशन जो है सभ्यता, हमारा सभ्यता किसने लिखा है हमारे बुक के, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी CEM जॉयड ये राइटर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि आवर ऑन सिविलाइजेशन इज पेंडेड बाई, तो आवर हमारा सभ्यता के कारण कौन है, यानी किसने लिखे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी क्या है, ए नंबर, CEM जॉयड। आप दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, लाइक कीजिएगा तो मैं और भी जो है अच्छा डिटेल से आपको बिल्कुल पूरे बुक का लेकर आऊँगा और कॉन्फिडेंट होगा कि वीडियो शायद आप लोगों को अच्छा लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, CEM जॉयड वॉज एन इनहेबिटेंट ऑफ, तो कहता है कि CEM जॉयड कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के निवासी थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी लंदन के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप करके देख लेते हैं, तो आ चुके पूरी तरीके से। नेक्स्ट क्या है, मशीन्स हैव बिकम इविटेबल कैन एफ्रेड फ्रॉम द लेसन, तो मशीन ऊर्जावान हो गई है जो पाठ से अनुमान लगा सकता है, आवन सिविलाइजेशन इसी में जो है अनुमान लगा सकते हैं, इसी में जो है राइटर CEM जॉयड ने इसी चैप्टर में लिखे हैं कि मशीन वो जवान हो गई है। आप लोग क्या है कि मैन हैज़ इन्विटेड मशीन टू सेव, यानी आदमी के कौन सा चीज़ मशीन हम लोगों का बचाता है, तो क्या बचाता है, जैसे क्या है कि टाइम एंड एनर्जी, टाइम और जो है एनर्जी, यानी समय और हम लोग का जो शक्ति जो है ऊर्जा वो हम लोग का, यानी कोई भी काम करने में मशीन हम लोग से ज़्यादा काम करता है, इसलिए जो है तो मशीन हम लोग का बचाव के लिए, यानी हम लोग का टाइम बचाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है पूरी तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना, अगर लाइक करिएगा तो मैं और भी कॉन्फिडेंट के हिसाब से मैं जल्द से जल्द जो है पूरे बुक को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा एग्जाम से पहले, और सब्जेक्टिव भी कुछ आप लोगों में पढ़ा दूंगा। तो आज जो है ओनली बुक पर्सन से लेकर आए हैं, कल का जो वीडियो रहेगा तो उसमें जो है ग्रामर पर्सन रहेंगे, जो आपको आप नंबर ला सकते हैं। तो देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, इन डिस्प्यूट्स बिटवीन मैन राइट्स हैज़ टेकन द प्लेस ऑफ, तो कहता है कि आदमी के बीच विवादों की जगह ले ली है, तो कौन आदमी के बीच जो विवाद होता था उसकी जगह कौन ले लिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी राइट आंसर माइट, ए डेवलपमेंट सिविलाइजेशन इंश्योर सेफ्टी एंड ऑर्डर टू इट्स सिविलाइजेशन बाई डिनेंट ऑफ, तो कहता है इसमें कि एक विकसित सभ्यता की सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित है, तो क्या कौन सा जो है सेफ्टी यानी सुरक्षा के बिना जो है कौन सा सभ्यता नहीं चल सकता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी रूल ऑफ लॉ, यानी सुरक्षा के नियम जो है। अगर कोई अच्छा लगता है तो अभी भी लाइक करिए इस तरह के वीडियो पढ़ने के लिए, क्योंकि दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि कौन सा क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं। तो आज का वीडियो तो हम लोग बुक पर्सन से लेकर आए हैं, और कल का वीडियो आप लोगों को काफ़ी आनंद और मज़ा आने वाला है पढ़ने में, क्योंकि उसमें हम आपको यानी व्याकरण जो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर पर्सन, उसको भी हम लेकर आने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हायर एक्टिविस्ट ऑफ मंकिंग विथ मेक अप सिविलाइजेशन कुड नॉट गो ऑन विदाउट, तो इसमें क्या कहता है कि मानव जाति की उच्च गतिविधियां जो सभ्यता बनती है उनके बिना नहीं चल सकती, तो क्या नहीं चल सकती, किसके बिना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी सेफ्टी के बिना कोई भी चीज़, यानी सुरक्षा के बिना कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। मानव आज क्या है कि दूसरा नंबर विद द फोटोग्राफर, यानी दूसरा चैप्टर है हम लोग का, जिस तरह से देख पा रहे हैं दूसरा चैप्टर है विद द फोटोग्राफर। तो पहला क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं कि क्या है कि विद द फोटोग्राफर इज रिटन बाय, यानी फोटोग्राफर के लेखक कौन है, तो यानी किसके द्वारा लिखा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी स्टीफन लुई कॉक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा स्किप करके देख लेंगे, आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पाएंगे आप लोग क्या है, स्टीफन लुई कॉक विद द फोटोग्राफर हैज बिन एडॉप्ट फ्रॉम, यानी कहता है क्या है कि स्टीफन लुई ने फोटोग्राफर के अलावा कौन सा जो है इस चैप्टर हम लोग का कौन सा चैप्टर और सा लिखे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सी नंबर, यानी बिहाइंड द बियॉन्ड। अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है इससे ज़्यादा अच्छा से वीडियो बना देने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना कि इस तरह के वीडियो लेकर आते हैं। तरीके से स्क्रीन पे क्या है, द फोटोग्राफर मेड हिम टू वेट फॉर, यानी फोटोग्राफर कितने में जो है वेट करने के लिए कहा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी
1 hour यानी एक घंटा जो है उसको वेट करने यानी इंतजार करने के लिए कहा फोटोग्राफर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है पूरी तरीके से, क्या है कि द फोटोग्राफर, क्वेश्चन क्या है, द फोटोग्राफर कॉल्ड द राइट टू सी द प्रूफ ऑफ हिज फोटोग्राफर ऑन, कहता है फोटोग्राफर ने अपने फोटोग्राफ के सबूत दिखाने के लिए बुलाया, तो किसको बुलाया, कितने कब कौन कौन दिन था, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो ए नंबर यानी सैटरडे को बोला था आने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो स्किप करके देख लेते हैं, आ चुकी है पूरी तरीके से देख पाएंगे आप लोग, क्या है कि आई लिव्ड विद इफ फॉर 40 years हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, यानी मैं 40 साल से किसके साथ यानी इसके साथ रहता हूँ, तो किसके साथ रहता था, यानी इसका राइट आंसर क्या है, ए नंबर यानी विद द फोटोग्राफर के साथ रहता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा स्किप करके आ चुकी है पूरी तरीके से देख पाएंगे आप लोग, द फोटोग्राफर्स स्टूडियो वाज, यानी फोटोग्राफर का स्टूडियो कैसा था, कहाँ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए नंबर यानी वेरी बैड नेटली, तो बहुत खराब हालत था स्टूडियो का। क्या गुड मैनर हेडिंग लाइन है, पहला क्वेश्चन क्या है, गुड मैनर बाई जेसे हिल हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम, कहता है कि जेसे हिल द्वारा अच्छे आदतें अनुकूलित क्यों किया गया, यानी क्यों लिखा गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर, एन इंट्रोडक्शन टू सिटीजनशिप, यानी नागरिकता का परिचय के लिए बनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है, गुड मैनर्स इज पेनेड बाई, यानी गुड मैनर जो है क्यों लिखा गया, किसके कारण और कौन लिखा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी जेसे हिल ने लिखा था इसका, यह पूरी तरीके से देख पाएंगे आप लोग, तो क्या है कि जेसे हिल हैज़ रिटन, तो जेसे हिल क्या लिखा था, जेसे हिल ने, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी गुड मैनर यानी अच्छी आदतें लिखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो आज द यंग मैन हैड नो कंसिडरेशन फॉर डेथ अंटिल वी गॉट इल, यानी क्या है कि चौथा नंबर, जब हम लोग बीमार नहीं हुए तब तक युवक का कोई विचार नहीं आया था, कोई विचार नहीं आता है, तो क्या किसके लिए, यानी पॉपुलेशन के लिए विचार नहीं आता है, तो अब जो है पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, तो अब जो है अब आबादी का ध्यान देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आ चुके पूरी तरीके से, क्या है, जेसे हिल वांट्स टू मेक लाइफ इजी फॉर इल्डर्स, यानी जेसे हिल जो है जीवन बड़ी जीवन के लिए आसान बनाना चाहते थे, तो क्या किसके लिए आसान बनाना चाहते थे, तो इसका राइट आंसर क्या, यानी अडल्ट यानी वयस्क आदमी के लिए बनाना चाहते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके पूरी तरीके से, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या है कि इट्स इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक आवर सेल्फ, यानी जो अपने जिम्मेदारी समझ जाता है, यानी खुद का जिम्मेदारी, तो सबसे ज़्यादा वही समझदार कहलाता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो आ चुकी है, क्या इट्स टेक टू स्पीक द ट्रूथ वन टू स्पीक एंड अनदर टू हेयर हैज़ बीन द स्टेटमेंट फ्रॉम, क्या कहता है इसमें कि यह सच बोलने के लिए दो, एक बोलने के लिए और दूसरे को सुनने के लिए, तो हैज से कथन क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी थ्योरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, क्या है कि थ्योरो वाज एन इनहेबिटेंट ऑफ, यानी थ्योरो कहाँ के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी अमेरिका, सी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है पूरी तरीके से, इट इज़ ओनली डैश पीपल हु टेक रिमार्क्स टू लाइट रैली, तो इसका क्या है कि क्या कहता है, लोग टिप्पणी को शाब्दिक रूप से लेते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर यानी बेवकूफ स्टूपिड, बेवकूफ़ लोग जो है इसको समझ लेते हैं, शाब्दिक रूप को टिप्पणी समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज के पूरी तरीके से स्क्रीन पे देख पाएंगे, गुड मैनर्स कम फ्रॉम हैविंग डैश विद अदर, तो अच्छी आदतों से क्या होता है, यानी सैम्पैथी, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी सहानुभूति जो है बढ़ती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, और अगला चैप्टर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।